सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज एक बार फिर हम एक ऐसी मनमोहक जगह पर जा रहे हैं जहां पर गणपति जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है और जिसके दर्शन मात्र से ही आपके सारे दुख और दर्द बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। तो एक बार हम पहले ऑलरेडी इस जगह पर जा चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो चलिए चलते हैं आगे। ओके, सो स्टूडेंट्स आर गोइंग इन द बस। यस, नमो नमः गंगनपतये, नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो। इस पंडाल में जाने के लिए आप सब रेडी हैं? ओके, स्टूडेंट्स की एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं, मतलब लास्ट टाइम इन्होंने बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट किया था वहां पे चल के, तो आज भी ये कम नहीं है, रुकने वाला नहीं है, आपको हैरान कर देंगे यहाँ पे मस्तियाँ कर करके। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं डायरेक्ट गणेश पंडाल में हम क्या करते हैं। रोहतक में पुलिस लाइन के पास बैकग्राउंड में आप देख ही सकते हैं, और किड्स हमारे एंजॉय कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। तो चलिए डायरेक्ट आपको एक बार लोकेशन ही दिखाते हैं। फाइनली हम हुड्डा कॉम्प्लेक्स गणेश पंडाल यानी कि हमारी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। हमारी बसेस हमने साइड में लगा दी हैं, हमारे किड्स जो हैं वो बसेस से नीचे उतर रहे हैं, तो चलिए किड्स से मिलवाते हैं पहले आपको। ओके, सो मैं जा रहा हूँ गणेश पंडाल में, आरती हो रही है, तो आरती सुन के मुझसे तो रुका नहीं गया, तो चलिए मिलवाते हैं आपको। एनकेजी, ये है हमारी फर्स्ट क्लास, ये है हमारी सेकंड क्लास, ये है हमारी ग्रेड थ्री, ये है हमारी ग्रेड फोर, ये है हमारी ग्रेड थ्री, और ग्रेड थ्री के ही परफॉर्मर बच्चे हैं जो आपको अभी डांस परफॉर्मेंस दिखाने जा रहे हैं। Thank you.
हेलो मैम. हेलो सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम. कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है यहाँ की. यस मैम, बिल्कुल सही कहा आपने. मतलब मेरे को भी आके लिटरली यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है सच में. मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे, पॉजिटिव एंड स्पिरिचुअल बोथ एनर्जीज आर देयर सर. यस 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 मैम. तो मैम मैं कुछ जानना चाहता था आपसे, मेरा एक सवाल था. बिल्कुल. तो मैम ये बताइए कि हमारे जो गणेश जी हैं उनका एक बहुत मेन मंत्र है, जो मूल मंत्र जिसको महामंत्र बोलते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप वो हमारी ऑडियंस के साथ साझा करें. बिल्कुल सर. तो वो है वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. धन्यवाद बेटा, आपको मजा आया सबको? ओके 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 मैम. वहाँ मतलब आपको मज़ा आया ये तो मैं पूछूंगा नहीं आपको, क्योंकि मुझे पता है कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि लिटरली बहुत अच्छी वाइब्रेशंस थी वहाँ पे. तो मैम मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, एक सवाल का जवाब देंगे आप? चलो सर पूछिए, तो नहीं देते. ओके मैम ये बताइए गणपति जी को ऐसी क्या चीज़ें प्रिय हैं, पाँच चीज़ों के नाम बताइए जो गणपति जी को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं. मतलब पांच चीजें जो पूजा में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं. yes. पहला जो है वो होता है सिंदूर, जिसके बिना जो गणपति जी की पूजा है वो अधूरी होती है. सेकंड जो होता है वो होता है ध्रुवा की 21 गांठें, जो ध्रुवा होती है वो एक घास टाइप होता है जिसके हम 21 गांठें देंगे. okay, थर्ड जो होता है वो होता है हमारा अक्षत, यानी कि चावल, बिना कटे हुए चावल. हम साबुत चावल लेंगे, कटे हुए चावल हम यूज नहीं करेंगे. जो फोर्थ होता है वो होता है गन्ना और केला, ये फलों के अंदर भगवान गणेश जी को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं. फिफ्थ और जो लास्ट है वो होता है हमारे गेंदे के फूल, जो भगवान गणेश जी को सबसे ज्यादा प्रिय भी होते हैं और पूजा में भी अच्छे माने जाते हैं. तो ये पांच चीजें होती हैं जिनके बिना गणेश जी की पूजा जो अधूरी होती है. अगर आप भी कभी गणेश जी की पूजा के लिए जा रहे हैं तो इन पांचों चीजों को जरूर लेके जाएं, भगवान गणेश जी आपके ऊपर असीम कृपा करेंगे. तो मतलब बहुत अच्छा लगा मैम, सच में बता रहा हूँ. मतलब मैं ये सोच रहा था पता नहीं कोई बता पाएगा नहीं, बट लिटरली आपने बता दिया, सही था. वेरी गुड मैम, थैंक यू. ओके मैम, खुश हैं आप? यस सर, बहुत ज़्यादा. मतलब आपके चेहरे से देख के लग रहा है कि यस आप बहुत ज़्यादा खुश हैं. यस सर. तो मैम मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, तो मतलब आप उसका जवाब देंगे? हाँ सर, व्हाई नॉट. मैं चाहता हूँ कि मतलब आप जो जवाब है वो हम मतलब हमारी ऑडियंस के साथ और मेरे साथ साझा करें. तो मैं आपकी नॉलेज चेक करना चाहूँगा मैम. मुझे ये जानना है गणपति महाराज को सर्वप्रथम क्यों पूजा जाता है? सर वैसे तो ये बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, तो इन शॉर्ट में बता सकते हैं आप? हाँ जी ऑफ कोर्स सर. एक बार सभी देवताओं में बहस हो गई थी कि okay. सबसे पहले धरती पर किसकी पूजा होगी जी. तो तभी सभी अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे. हाँ सभी अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे कि मैं पूजा जाऊँ. तो सभी में बहस लगी हुई थी. तो तभी नारद मुनि उधर प्रकट हो गए और उन्होंने बोला कि आपकी इस बात का सॉल्यूशन शिव भगवान जी ही कर सकते हैं, हम सभी उन्हीं के पास चलते हैं. तो सभी देवता इस बात से एग्री होके और शिव भगवान जी के पास चले गए. तो वहां जाके शिव जी भगवान ने बोला आप सभी अपने वाहन पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाएंगे और सात बार परिक्रमा लगानी है, तब आप इधर आओगे, परिक्रमा लगा के वो ही फर्स्ट माना जाएगा, या फिर पहले ही पूजा उसी की होगी जो उसकी परिक्रमा फर्स्ट टाइम करके आएगा, मतलब फर्स्ट आएगा. तो सभी देवताओं ने शिव जी की बात सुनी और वो अपने वाहन पर बैठे और चल दिए. तो वहां से जब गणेश भगवान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उन्होंने शिव जी अपने पिताजी और अपनी माता जी पार्वती का चक्कर लगाना स्टार्ट किया और उन्होंने अपने सात चक्कर सभी देवताओं से पहले उन्होंने लगा दिए, कंप्लीट कर लिया. और इस बात का मतलब भगवान जो थे शिवजी थे वो प्रसन्न हुए इस बात का कि जो गणेश भगवान जी हैं वो उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उन्होंने अपने माता पिता में ही पूरी सृष्टि को माना. Right. तो उन्होंने सात चक्कर जल्दी भी पूरे किए और गणेश भगवान जी थे वो इसीलिए सबसे पहले पूजे जाने लगे. ओके तो जब मतलब सभी देवतागण वहाँ पहुंचे थे हाँ जी. तब उन्होंने शिव भगवान से पूछा कि भगवान ये कैसे हो गया, मतलब हमसे पहले ये आगे. तब शिव भगवान जी ने ये बोला सभी भक्तों को जितने भी थे, उन्होंने बोला जो गणेश भगवान जी थे उन्होंने अपने मस्तिष्क का यूज किया और उन्होंने बोला कि जो दोनों माता पिता होते हैं हमारे उसी में ही सृष्टि का वास होता है, तो मैं पूरी सृष्टि का क्यों चक्कर लगाऊं जब मेरे माता पिता में ही उस चीज का वास. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू मैम. कैसा लगा आपको? मतलब मजा आया सबको वहाँ पे?
ओके मतलब आपको एक और बार मौका मिले वहाँ जाने का तो चलना चाहोगे? ओके आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की एक्साइटमेंट, मतलब कितना इनको एंजॉयमेंट हुआ वहाँ चल के, और हमारे टीचर्स भी बहुत खुश है। मजा आया आपको भी? मजा आया ना? ओके तो हमें व्लॉग एंड करना चाहिए यहीं पे। ओके सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।